A very warm hello to all the learners of Mathetic Maths Adda. Dear students, class 12th ke previous years ke series mein integrals, applications of integrals, three dimension geometry ke previous years mein Delhi board, CBSE aur Uttarakhand board mein jo questions puche gaye the wo questions humne solve kiye. Un videos ko, un papers ko agar un papers ke videos ko dekhna chahta hai to description mein ja kar ke un videos ko dekh sakta hai. आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर्स की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ उसमें हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इससे दो से तीन क्वेश्चन हर बोर्ड में सीबीएसई, दिल्ली, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सब में दो से तीन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आते ही आते हैं. प्रोबेबिलिटी के जो प्रीवियस ईयर्स की सीरीज के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उनमें हम डिटेल में उनके कंसेप्ट्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ उनके सॉल्यूशन कर रहे हैं. अगर कोई भी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटीज का पूरी सीरीज के वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर किसी टॉपिक पे किसी को कोई कंफ्यूजन होता है या किसी टॉपिक को कोई स्टूडेंट अच्छे से समझना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जा सकता है. इस चैनल में प्लेलिस्ट में प्रोबेबिलिटी का पूरी वीडियोस का एक साथ ग्रुपिंग की गई है तो उन वीडियोस को देख करके आप हर एक कंसेप्ट को समझ सकते हैं. रैंडम वेरिएबल से लेकर के बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ये सारे वीडियोस प्रोबेबिलिटी में काफ़ी डिटेल में मैंने बनाए हुए हैं तो आप वहाँ से प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर बड़े आराम से समझ सकते हैं. तो उन वीडियोज़ को आप वहाँ से देखिए. और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम क्लास ट्वेल्थ पे जो पुराने बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सीबीएसई. आज का जो पेपर मैं लेने जा रहा हूँ वो है लास्ट ईयर 2019 का. 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं. ये सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस्ड है बेस थ्योरम. और बेस थ्योरम का पूरा कंसेप्ट का वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में प्रोबेबिलिटी का प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं. तो देर आर थ्री कॉइन्स, तीन कॉइन्स हैं. वन इज टू हेडेड, यानी कि जो पहला वाला कॉइन है उसमें दोनों साइड हेड है. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वन, क्योंकि दोनों साइड हेड है उसमें. और टेल आने की प्रोबेबिलिटी उसमें जीरो हो जाएगी. अनदर इज बायस्ड कॉइन. बायस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है कि उसमें हम चीटिंग कर रहे हैं. उसमें अगर नॉर्मली हम किसी कॉइन में देखें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है और टेल की भी हाफ होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये कॉइन क्या है, बायस्ड है. तो इसमें जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 75%, मतलब 75/100 है. एंड द थर्ड कॉइन इज अनबायस्ड कॉइन, यानी कि थर्ड वाला जो कॉइन है वो प्रोबेबिलिटी जो है उसमें हेड की भी हाफ होगी और टेल की भी हाफ होगी, ये आपको दिया हुआ है. तो ये तीन तरीके के इवेंट्स हैं इसमें. इवन हम मान लेते हैं, इवन जो पहला वाला इवेंट है इसको हम मान लेते हैं इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग टू हेडेड कॉइन. ई टू, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ बायस्ड कॉइन. और तीसरा इवेंट हमने मान लिया ई थ्री, वो क्या है? इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग एन अनबायस्ड कॉइन. और इसके बाद एक इवेंट और है, उसको हम मान लेते हैं ए, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इवेंट्स हैं. ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. तो अगर हम बात करें PE1 की, PE1 का मतलब क्या है कि तीनों में से एक कॉइन सेलेक्ट करना है. तो हर एक कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3, यानी कि PE1 कितना हो गया? 1/3, ये टोटल 3 है तो अपॉन में 3 इसलिए आ रहा है. PE2 कितना हो जाएगा? 1/3. और PE3 भी कितना हो जाएगा? 1/3. तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है इन तीनों में से एक कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी. अब हम बात करें हमको निकालना क्या है. वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड. इफ इट शोज हेड्स,
हेड आ रहा है पहले से, यानी कि हेड पहले से दिया हुआ है, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है जो इवेंट पहले हो जाए वो अपॉन में आता है। हेड आ रहा है, आपको बताना है कि वो कॉइन कैसा कॉइन है, टू हेडेड कॉइन, और टू हेडेड कॉइन क्या है इसमें, इवन, यानी कि आपको क्या निकालना है, पी इवन अपॉन ए निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था बेस थ्योरम, पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन, और अपॉन में सब प्रोबेबिलिटी का सम आया था, पी इवन पी ए अपॉन इवन प्लस पी ई टू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री पी ए अपॉन ई थ्री, ये फॉर्मूला लगेगा बेस थ्योरम का। अब ये तीन वैल्यूज तो हमको पता चले गई हैं, पी ए अपॉन इवन, इवन यानी कि पहला वाला इवेंट, पहला वाला कॉइन है, और उस पहले वाले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि ये दोनों साइड में हेड कंटेन कर रहा था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन। पी ए अपॉन ई टू का मतलब सेकंड कॉइन है, और सेकंड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75 अपॉन 100। और पी ए अपॉन ई थ्री कितना हो जाएगा, थर्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अनबायस्ड कॉइन है तो इसमें कितना हो जाएगा, हाफ। बस ये सारी वैल्यूज आप यहाँ फॉर्मूले में रख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा जो आंसर आपको निकालना है। तो पी ई वन अपॉन ए कितना हो जाएगा, पी ई वन वन बाई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई वन वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री इंटू वन प्लस वन बाई थ्री इंटू 75 अपॉन 100 प्लस वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू, तो वन बाई थ्री सब में आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 3 जा 25 4 जा 1 अपॉन 1 प्लस 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 2, 1 अपॉन एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 4 ऊपर चला जाएगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 बाय 9 जो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी थी वो प्रोबेबिलिटी का आंसर ये निकल गया है, 4 बाय 9। तो ये क्वेश्चन था सीबीएसई पे लास्ट ईयर 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेकंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदर बोर्ड्स के लिए भी। क्वेश्चन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ ऑफ अ मैन इज 4 बाय 5, यानी कि कोई भी एक आदमी है वो उसके सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 बाय 5 है, यानी कि झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 4 बाय 5। तो दो इवेंट्स हैं यहाँ पे, इवन हमने मान लिया स्पीकिंग ट्रूथ, और ई टू मान लिया हमने झूठ बोलना, यानी कि नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पी इवन कितना हो जाएगा, वो जो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4 बाय 5 है, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 4 बाय 5। किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस करके निकल जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 5। और इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एंड मैन सेज इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्चुअली अ हेड, आपको बताना है कि हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये जो इवेंट है वो हेड होने का इवेंट है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है, पहले तो आप देखिए आपको वैल्यू किसके निकालनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्चुअली अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। एक्चुअली अ हेड का मतलब है यहाँ पे कि वो मैन सेज इट शोज हेड, हेड आ रहा है पहले से, उसने बोल दिया हेड आ रहा है तो हेड ए यहाँ आ गया। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्चुअली अ हेड, मतलब एक्चुअली अ हेड का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हेड आ रहा है उसमें, यानी कि वो सच बोल रहा है, तो सच बोलने के लिए क्या है, इवन, ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर से बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी इवन अपॉन ए क्या बनेगा, पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन, पी इवन पी ए अपॉन इवन प्लस पी ई टू पी ए अपॉन ई टू, पी इवन 4 बाय 5, ए अपॉन इवन का मतलब क्या है कि वो सच बोल रहा है और हेड आ भी रहा है, तो यानी कि 1 बाय 2 हो गया फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी।
PE1 4 by 5 into 1 by 2 plus PE2. PE2 कितना है? 1 by 5 into E2. PA upon E2 का मतलब क्या है? कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी हेड आ रहा है. तो यानी कि यहाँ पे भी 1 by 2 हो जाएगा. 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 cancel out हो गया. बाकी upon का 5 भी cancel हो रहा है. तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 upon 4 plus 1, 4 upon 5. तो जो required probability है उसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 by 5. तो ये question उत्तराखंड बोर्ड में लास्ट ईयर पूछा गया है. देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है दिल्ली बोर्ड का लास्ट ईयर का. टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे. फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स. मीन निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको समझने के लिए आप प्रोबेबिलिटी के जो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं वहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. यहाँ पे रैंडम वेरिएबल भी यूज़ होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल पे ही बेस्ड होता है. तो बात करें दो कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? कार्ड्स 52 और किंग के कार्ड्स कितने होते हैं? 4. तो दो कार्ड निकाले जा रहे हैं. उन दोनों कार्ड में आपको मीन निकालना है नंबर ऑफ किंग्स का. हो सकता है कि दोनों कार्ड्स में एक कार्ड भी आपको रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल रियल नंबर को सैम्पल स्पेस से रिलेट करता है, एक ऐसा फंक्शन होता है. तो दोनों किंग में से एक भी किंग ना आए, या एक किंग आए और दूसरा किंग ना आए, या फिर दोनों के दो किंग आ जाए, तो एक्स की ये तीन वैल्यूज होंगी. अब पी एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? कि कोई भी किंग ना हो. टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई? 52 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4. 52 में से दो सेलेक्ट करने, 52 सी टू. एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब एक भी किंग ना हो. तो जो किंग है उनको आप हटा दीजिए. किंग को हटा कर कितने कार्ड्स बचे? 48. यानी कि 48 में से कोई दो कार्ड्स यहाँ पे आ रहे होंगे. इसको आप पूरा फैक्टोरियल नोटेशन सॉल्व कर लेना, वो न्यूमेरिकल आपको आंसर मिल जाएगा. पी एक्स इक्वल टू वन का मतलब क्या है? कि एक किंग आ रहा है. एक किंग आ रहा है मतलब चार किंग में से एक किंग आ रहा है और 48 में से दूसरा कार्ड आ रहा है. यानी कि एक तो किंग है, दूसरा किंग नहीं है. अपॉन में अभी भी उतना ही आएगा, 52 सी टू. इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए. पी एक्स इक्वल टू टू का मतलब क्या है? दोनों के दो किंग है, यानी कि दोनों के दो इस फोर के पेयर से आएंगे. 4 सी टू अपॉन 52 सी टू. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं. एक्स जीरो वन टू पी एक्स इक्वल टू, इसको स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं. ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर निकाली हुई हैं, 48 सी टू अपॉन 52 सी टू, यह 4C1 इंटू 48C1 अपॉन 52C2 और 4C2 अपॉन 52C2. आपको मीन निकालना है. मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, ई एक्स से भी डिनोट करते हैं, म्यू भी होता है इसका सिंबल. इसमें हम क्या करते हैं, हर एक एक्स की वैल्यू को उसके करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 48C2 अपॉन 52C2 प्लस 1 इंटू 4C1 इंटू 48C1 अपॉन 52C2 प्लस 2 इंटू 4C2 अपॉन 52C2. तो ये कॉम्बिनेशन, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, वो यूज़ करके आप यहाँ से इस मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का. तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के आए थे उन क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व कराया आज. इस टाइप के और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें, और प्रोबेबिलिटी में किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लेलिस्ट में प्रोबेबिलिटी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं. तो आज का जो प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ का वीडियो, आज के वीडियो में इतना ही. जल्दी प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा.